हेलो फ्रेंड्स, नी आर्थराइटिस या घुटने का घिस जाना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको लेके इंडिया के अंदर काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको घुटने की परेशानी रहती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेशेंट का सिर्फ एक्सरे देख के ही ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करना चाहिए। आपके लिए बड़ा ज़रूरी है ये जानना कि आपको अपने डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है अपने प्रॉपर एक्सरे के साथ। इस एक्सरे में हम देख सकते हैं इस पेशेंट की एज 55 ईयर्स है। आप इनका राइट साइड का अगर एक्सरे देखेंगे तो इसके अंदर आर्थराइटिक चेंजेस हैं ऑलरेडी। वो कैसे पता लगते हैं हमें, इनके ये घुटने में जो थाई की बोन है और लेग की बोन है इसके बीच में गैप कम हो गया है, यानी कि यहाँ पे घिस गया है ये जोड़ और दूसरी साइड से ये ओपन हो गया है। ऐसे ही इनका साइड व्यू है और दूसरे साइड पे भी ये चल रहा है प्रोसेस। पर देखते हैं इनका फंक्शन कैसा है, इनकी एक्टिविटीज कैसी हैं। तो सर एक बार ये देखिए, आप ये क्रॉस लेग बैठे हैं इस समय, कोई दर्द है इसमें आपको? फिलहाल तो नहीं। फिलहाल दर्द नहीं है, मतलब ये आती पाती लगा के बैठे हैं। लेटो जी एक बार, आप अपने घुटने को मोड़ के दिखाओ पूरा। ये पूरा इनके घुटने की बेंडिंग है, घुटना सीधा करो सर। और अगर हम ये देखें तो इनके घुटने में कोई स्वेलिंग नहीं है। इनको इस जगह पे जहाँ हमने निशान लगाया थोड़ा दर्द है, इधर दर्द है, पर ऐसे पेशेंट्स में काफ़ी हमें उम्मीद होती है कि ये मेडिसिन से रिकवर करेंगे। और इन पेशेंट्स को आर्थराइटिस होने के बावजूद भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हम जल्दी से एडवाइस नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि पेशेंट को मेडिसिन से हम ट्रीट करें, एक्सरसाइजेस से ट्रीट करें। हमारा एक्सरसाइज का एक वीडियो भी है यूट्यूब चैनल पे, आप हमारे देख सकते हैं। तो एक्सरसाइजेस करने से, अपना वेट कंट्रोल में रखने से और कुछ पोस्चरल प्रिकॉशन जैसे कि ज़मीन पे इंडियन टॉयलेट पोजीशन में नहीं बैठना चाहिए या जितना हो सके सीढ़ियाँ कम चढ़ना उतरना चाहिए, तो इन प्रिकॉशंस के साथ नंबर 1, नंबर 2 वेट कंट्रोल करके, नंबर 3 मेडिसिंस प्रॉपर लेके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो मेडिसिंस एडवाइज हुई, नंबर 4 सिर्फ एक्सरे को देख के सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं चूज़ करना चाहिए। आपको जाके अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए कि मेरे को नी में क्या फंक्शन है, कितने में काम कर सकता हूँ, और अगर आपकी एक्टिविटी लेवल्स अच्छे हैं, आपका वेट अंडर कंट्रोल है, तो मेडिसिंस का ट्रायल ज़रूर देना चाहिए।